नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप डॉट कॉम। उत्तराखंड का नैनीताल जिला, यहाँ रामनगर नाम की एक जगह है। रामनगर में गिरिजा नाम का गांव, जो गिरिजा देवी मंदिर के लिए मशहूर है। यह इलाका जिम कार्बेट नेशनल पार्क की दहलीज में आता है। नामी मंदिर है, देवी के दर्शन के लिए ढेर सारे लोग आते हैं। मंदिर जंगल के बीच में है और रामनगर शहर से करीब 14-15 किलोमीटर दूर है। शायद यही वजह है कि यहाँ ढेर सारे कपल्स भी आते हैं, इस उम्मीद में कि एकांत मिलेगा। 22 मई 2018 इस तारीख को भी एक कपल एकांत चाहते हुए इस मंदिर के पास आया मिलने के लिए। पकड़ा गया, पूछताछ हुई, पता चला कि लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है। हंगामा हो गया, भीड़ जुट गई। भीड़ उस मुस्लिम लड़के को पीटना चाहती थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो देखिए। साफ पता चलेगा कि उस दिन वो लड़का वहां मार डाला जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। लिंचिंग ना होने देने की पूरी वाहवाही एक पुलिस वाले के नाम है, गगनदीप सिंह के नाम, उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह। पीटने का मौका नहीं मिला तो लोग पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो शेयर हो रहे हैं। हमारे कुछ व्यूवर्स ने इसके वीडियो हमें भी भेजे। वो इसकी सच्चाई जानना चाहते थे कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। मामला यही है जो हमने आपको बताया। लोग गुस्से में थे, उनके बीच से गगनदीप सिंह उस लड़के को थामे लोगों को समझा रहे थे। लोग कह रहे हैं कि वो उस लड़के को पीटना चाहते हैं, मगर गगनदीप सिंह उसे भीड़ से सुरक्षित निकाल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच भीड़ में शामिल कुछ लोग उस लड़के को पीटने की कोशिश करते हैं और गगनदीप उसे बचाने के लिए अपने सीने से चिपटा लेते हैं। लोग गगनदीप पर गुस्सा हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लोग मंदिर का गेट बंद करके गगनदीप को रोकने की कोशिश करते हैं। कोई चिल्ला चिल्ला कर ताला मांग रहा होता है, कोई गेट को पकड़े हुए है। वीडियो में आप देखेंगे कि वहां पर कितना तनाव है। जब गगनदीप लड़के को वहां से ले जाने लगते हैं तो भीड़ नारे लगाने लगती है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। इसी घटना के एक और वीडियो में भीड़ ने उस जोड़े को घेरा हुआ है। भीड़ के हाथों पिटा लड़का जमीन पर बैठा हुआ है। लड़की भीड़ से बहस कर रही है। एक आदमी से पूछती है, अंकल आपने उसको मारा क्यों? अंकल जवाब देते हैं, इसको काट डालेंगे, हिंदू होकर मुसलमान के साथ घूम रही है, तुमको भी मारो, हिंदू के नाम पर कलंक हो तुम, मैं इसको तो गाड़ ही दूंगा, साथ में तेरे को भी काट दूंगा, काटो इसको। ये उन अंकल के शब्द हैं जो हर दो शब्दों के बाद एक गाली को संपुट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब लड़का वहां से उठकर चलने लगता है तभी भगवा कुर्ता पहने और गमछा डाले एक आदमी तैश में आगे आता है और उसे एक तरफ ले जाकर उसका आई कार्ड देखता है। यहां पर ये दूसरा वाला वीडियो खत्म हो जाता है। नहीं नहीं कुछ नहीं। पर पुलिस के मंदिर पहुंचने से पहले ही वो लड़का पीटा जा चुका था। दी ललन टॉप की हमारी साथी स्वाति ने रामनगर पुलिस से बात की। वहां प्रभारी निरीक्षक विक्रम राठौर से बात हुई। उन्होंने घटना की पुष्टि की, वही डिस्क्रिप्शन दिया जो हमने आपको अभी बताया। भीड़ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी शामिल थे। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक वो लड़का अपने दोस्त के साथ पिट चुका था। पुलिस ने बताया कि आसपास रहने वाले लड़के लड़कियां अक्सर मिलने के लिए मंदिर के पास आते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों। भीड़ का कहना है कि लड़का लड़की अश्लील हरकत कर रहे थे। स्वाति ने पुलिस से जब पूछा कि वो अश्लील हरकत क्या थी तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। अश्लीलता बड़ी स्वैच्छिक चीज है। कोलकाता मेट्रो की वो घटना नहीं भूले होंगे जिसमें एक दूसरे के करीब खड़े और गले मिल रहे कपल को पीट दिया गया था, क्योंकि आसपास खड़े लोगों के हिसाब से वो अश्लीलता थी।
पुलिस ने बताया कि रामनगर के इस वीडियो में दिख रहे लड़का लड़की दोनों बालिग हैं। लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ आई थी, मगर विक्रम राठौड़ की बातें परेशान करने वाली हैं। वो मोरल पुलिस की तरह बात करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि पुलिस कपल को थाने लेकर गई, फिर लड़की के माँ बाप को वहाँ बुलाकर उन्हें पूरी बात बताई गई। स्वाति ने पूछा कि माँ बाप को क्यों इन्वॉल्व किया गया। जवाब मिला, लड़की बिना माँ बाप को बताए उस लड़के से मिलने आई थी। हम उसके घर वालों को बताना चाहते थे कि देखो तुम्हारी लड़की क्या कर रही है। सोचो, घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन चुपके से वहाँ उस लड़के से मिलने आ गई। ये गलत काम तो है ही। ये बयान है पुलिस का, जो लड़की के माँ बाप से कहती है कि अब उनकी जानकारी में आने के बाद भी अगर लड़की उस लड़के से मिलने जाती है तो अपना काम वो जाएंगे। स्वाति ने पूछा कि इस गहमा गहमी में अगर वहां पर लड़के या लड़की की ऑनर किलिंग हो जाती तो? राठौड़ साहब ने जवाब दिया, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। जब स्वाति ने पूछा कि लड़की बालिग थी और अपनी मर्जी से आई थी तो घर वालों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी, इस पर जवाब मिला, देखिए बालिग हो जाने के बाद भी कुछ लड़कियां समझदार नहीं हो पाती हैं। हम पुलिस वाले हैं, देखकर समझ जाते हैं ऐसी लड़कियां ऐसा करती हैं। किसी अच्छे से लड़के को देखा और चक्कर में फंस गईं, फिर आज इसके साथ कल उसके साथ, फिर ऐसे भी केस होते हैं कि बिना शादी के साथ रहने लग जाते हैं। विक्रम राठौड़ साहब को याद दिलाया गया कि ना तो प्यार करना गैर कानूनी है और ना ही लिव इन में रहना कोई अपराध है, और ना ही किसी दूसरी जाति धर्म वाले इंसान से प्यार करना कोई क्राइम है। इस पर वो बोले, देखिए आपकी बात सही है, मगर यहाँ हिंदू मुसलमान के प्यार करने पर हंगामा हो जाता है, पुलिस को सब देख समझ कर चलना पड़ता है। आपकी बात सही है कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है, लेकिन सामाजिकता भी एक चीज़ है। आप बताइए, अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ किसी मस्जिद में पकड़ा जाता तो क्या होता, कितना हंगामा होता। ये पुलिस का कहना है, वही पुलिस जिसका काम क्राइम रोकना है, लोगों को प्रोटेक्शन देना है। पुलिस की वफादारी कानून और अदालत के साथ है, भीड़ के साथ नहीं। जब उन्हें टोका गया कि उनकी बातें मोरल पुलिसिंग जैसी हैं, तो उल्टा उन्होंने ही पूछ लिया कि आप ही बता दीजिए हमें क्या करना चाहिए। उन्हें जवाब दिया गया कि उन्हें कानून के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए, मोरल पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने काम चलाऊ लहजे में कहा, ठीक है फिर नहीं करेंगे। ये पुलिस में शामिल लोगों का हाल है, ये उनकी सेंसिटिविटी है। खाप जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं और वैसी ही सोच दर्शाते हैं। इस सब के बीच बस गगनदीप सिंह की तारीफ हो रही है। उनके इस वीडियो को सिख समुदाय के लोग खूब शेयर कर रहे हैं, इस एंगल के साथ कि गगनदीप सिंह सच्चे सरदार हैं और उन्होंने एक लड़के की जान बचाई। ये सच है कि वो सिख हैं, पर उन्होंने जो किया वो पुलिस की वर्दी पहनकर किया, अपनी ड्यूटी निभाते हुए किया। भीड़ से भिड़ने पर खतरा उन्हें भी था, भीड़ और हिंसक हो जाती तो शायद उस लड़के के साथ साथ उन्हें भी शिकार बना सकती थी, पर वो अड़े रहे। तारीफ उनके इस जज्बे की, तारीफ उनकी इंसानियत की। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए dillallantop.com। शुक्रिया।